ये देखिए पूरा स्ट्रिंग बहुत सुंदर है ना, ये देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 8th of January, जो कि आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, सैटरडे है, और हमेशा की तरह मैं लेट हो चुका हूँ, और हमेशा की तरह ही आज भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। सो अभी जल्दी जल्दी से जाना है, एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद सब कुछ फ्री हो जाएंगे, और आज पूरा रात गिटार बजाऊंगा मैं। सो जल्दी जल्दी जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। स्टूडेंट आ रहे हैं, शायद सब लोग पहुंच चुका होगा या फिर मैं बहुत लेट हो चुका होगा। तो ये देखिए रास्ता बहुत खाली खाली है, लेट हो गया। पहुंच चुका है और मैंने सोचा मैं लेट हो गया, बट देखा तो सिर्फ प्रोविनस आया हुआ है क्लास में, और अभी सिर्फ हम दो हैं और बाकी लोग पता नहीं कब आएंगे। सो आज हम लेट नहीं है गाइस, एकदम टाइमिंग में। One eternity later. Class is over, it's lunch break. 11 बज चुका है और मैं वापस अपना रूम आ चुका हूँ, क्योंकि अभी हम लोग का ब्रेक है और शायद हम लोग ब्रेक के बाद वापस से नहीं जाएंगे आज, क्योंकि आज सैटरडे है। सो अभी लंच करने जाना है वापस, क्योंकि लाइन लगने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी लेके आऊँगा मैं रूम में। वहाँ पे अकेला खाने मन नहीं होता, क्योंकि बाकी दोस्त लोग मेरा अलग डिपार्टमेंट का है और वो लोग का अलग सर्वे कैंप चल रहा है, जो कि वो लोग लेट होगा आने में, इसलिए अकेला खाना पड़ेगा। अकेला खाने में मज़ा नहीं आता खाना को, घर में भी अकेला खा के अच्छा नहीं लगता है, सब लोग के साथ एक साथ खा के ही अच्छा लगता है। और हाँ, आज भी हम लोग क्लास में सिर्फ 5 ही स्टूडेंट थे, और एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो चुका है। बहुत ही खुशी हूँ, अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, बस क्लास का नोट्स लोग को ठीक से करना है और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आएंगे तब पढ़ेंगे। सो लंच कर लेते हैं, क्योंकि भूख लग गया वापस से। ब्रेकफास्ट नहीं करते, डिनर जो करते हैं उसी से गुजारना पड़ता है। ब्रेकफास्ट करने का समय नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा सा लेट उठता हो, आप लोग भी सुबह लेट ही उठता होगा, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सॉरी, ब्रेकफास्ट नहीं गाइस, ब्रंच बोलेगा इसका, ब्रंच BRUNCH। ब्रेकफास्ट प्लस लंच का कॉम्बिनेशन होता है ब्रंच। तो अभी हम ब्रंच करने जा रहे हैं डाइनिंग हॉल, या फिर हम इधर रूम लेके आएंगे। टेस्टी नहीं होने वाला है, बात कोई नहीं, खाने पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है। सो मैं जाता हूँ, नहीं देखो चिक्स थोड़ा सा मोटा हो गया मेरा सोते सोते, अभी थोड़ा से खेलना पड़ेगा और नहीं तो मोटा हो जाऊंगा मैं। ये देखिए गिटार का एक स्ट्रिंग नहीं है मेरा, अभी उसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा गाना बजा नहीं पा रहा हूँ। बजा तो सकते हैं पर उतना अच्छा साउंड नहीं करते जितना कि सब स्ट्रिंग होने से साउंड करते हैं। और यहाँ का देखिए, ये भी नहीं है मेरा, ये भी नया लेना है। ये बहुत पहले ही कोई स्कूल में मेरा चुरा लिया था, पता नहीं कौन लिया है, पर अभी तक भी मैं नहीं खरीदा, शायद आज खरीदूंगा इसको, पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं। समय मिलने से ज़रूर ले लेंगे, स्ट्रिंग भी लेंगे, क्योंकि ये पुराना स्ट्रिंग से इतना अच्छा साउंड नहीं करता है। सो स्ट्रिंग ज़रूरी है गाइस। प्रो गिटारिस्ट वापस आ चुका है आप लोग के सामने। चलिए कुछ गाते हैं, कुछ बजाते हैं। कोशिश किया था गाइस, पता नहीं कैसे गया।
क्योंकि मेरा माइक्रोफोन भी अच्छा नहीं ना, इसलिए शायद आवाज़ भी अच्छा नहीं आएगा होगा, और मेरा भी तो आवाज़ अच्छा नहीं है माइक्रोफोन को, क्या मैं दोष दे रहा। और गिटार का स्ट्रिंग्स भी अच्छा नहीं है, उसको चेंज कराना है। सो आज के लिए बस इतना ही, आई मीन आज का सॉन्ग्स इतना ही, और कभी दिन और गाने के साथ कोशिश करेंगे। कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये उंगलियाँ देखो गाइस, गिटार बजा बजा के पूरा लाल हो गया, अभी पूरा पेन हो रहा है क्योंकि ज़्यादा नहीं बजाता ना मैं, आज ज़रूरत से ज़्यादा बजा दिया। और स्ट्रिंग भी नहीं है, सो नया स्ट्रिंग लेना है, इसलिए शाम को हम स्ट्रिंग लेने जाएगा। और आज पहली बार हम कपड़ा नहीं धोया क्योंकि आज कपड़ा नहीं था। सो फाइनली अभी मैं और एक दोस्त जा रहे हैं गिटार का स्ट्रिंग लेने, और मिलने से पिन भी लेके आऊँगा, पता नहीं दुकान खुला होगा कि नहीं, फिलहाल तो जाके चेक करते। सो गाइस फाइनली आ चुका है गिटार का स्ट्रिंग खरीद के, और मैंने मम्मी को कॉल किया था, मैं गिटार स्ट्रिंग लेने गया गुवाहाटी में, फिर मम्मी मुझे गाली दिया क्योंकि कोरोना का केसेस बहुत बढ़ रहा है और ऐसे बाहर निकलना अच्छा नहीं है, आपको कभी भी कहीं से भी किसी से भी लग सकता है, सो आप लोग भी मत निकलो। और ये देखिए मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया, ये गिटार का बेल्ट है जो मेरे साथ गया था, और असली चीज़ यहाँ में ये देखिए, ये स्ट्रिंग है जो कि 750 का स्ट्रिंग है, अंदर में पूरा सेट है, और ये पिन भी लेके आया, पिन 30 रुपीस का है शायद एक में, हाँ पिन भी ले लिया, अभी गिटार में लगाना है इसको। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रहा हूँ अभी फुल स्ट्रिंग के साथ बजाने के लिए। और ये महंगा वाला स्ट्रिंग है, सो महंगा वाला स्ट्रिंग से कैसे साउंड आता है सो बजा के देखिएगा, क्योंकि बजाना इतना नहीं आता है, बट लेकिन भी साउंड का डिफरेंस तो पता चलेगा, जितना मोटा स्ट्रिंग होता है उतना सब बेस आता है, मुझे ऐसे कुछ सुनने मिला। सो ये है हम लोग का स्ट्रिंग, ये दोस्त ने गिफ्ट किया हुआ हम लोग का गिटार का बेल, सो थैंक्स टू हिम, थैंक यू वेरी मच मेरा दोस्त मुझे गिटार का बेल्ट गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास नहीं था। अभी गुवाहाटी बहुत ही गर्म है, यहाँ पे आके थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस महसूस हो रहा है, सो अभी जल्दी जल्दी से लगाते हैं फिर बजाते हैं सबके साथ मिलके। ये देखिए ऊपर नीचे पूरा साफ कर दिया मैंने, एकदम नया लग रहा है अभी तो। स्ट्रिंग लगाएंगे अभी, ये देखिए पूरा स्ट्रिंग बहुत सुंदर है ना, ये देखिए देखने में भी बहुत सुंदर है, देखिए गोल्डन कलर का, इसको देख के ही बहुत अच्छा लग गया था, देखो। ये देखिए नया पिन, ये वाला नया है जो कि व्हाइट वाला है, लगाते हैं इसको। ये तो घुस ही नहीं रहा अंदर, इसको थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा शायद, कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा इसके लिए क्योंकि ये तो अंदर जा ही नहीं रहे, सो बिना उपाय का कुछ नहीं होगा, सो मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ ताकि हम अपना स्ट्रिंग को लगा सके। सो गाइस फाइनली स्ट्रिंग लग चुकी है, हम लोग का गिटार ट्यून हो चुका है, देखिए तो गाइस हम बहुत कोशिश किया गिटार बजा के दिखाने के लिए आप लोगों पर, मैं नहीं बजा पाया, उंगली बहुत दर्द रहा है, और नया नया स्ट्रिंग में बजा के इतना अच्छा भी नहीं लगता। सो कभी दिन और सुना देगा आप लोग को, अच्छे से सुनाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस।